नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नवनिर्माण बिल्डिंग में खेलते खेलते अचानक सीढ़ियों से गिरने से 4 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के बांगरदा झोपड़पट्टी में रहने वाले मासूम बच्चे की उस वक्त मौत हो गई जब बच्चा नवनिर्माण बिल्डिंग में सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसी दौरान बच्चा पहली मंजिल से नीचे आ गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत बच्चे के परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार बच्चे के पिता मिस्त्री का काम करते हैं और वो उसी बिल्डिंग पर काम कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भैया क्या नाम है आपका? क्या घटना हो गई थी बच्चे के साथ? क्या उम्र है बच्चे की? क्या नाम है बच्चे का? कब की घटना है ये? कल की घटना है। तो कैसे, क्या, कौन सी मंजिल से गिरा ये? आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? अच्छा, आप मिस्त्री हैं, ठीक है। आपका नाम? सर, एरोडम थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायम हुआ है, किस प्रकार का मामला है ये? वहाँ एक काम करने वाला है सुरेश गहलोत, उसका 4 वर्षीय बालक है अशोक पिता सुरेश गहलोत, ये लेट से निकले हैं और ऊपर पट्टी में रहते हैं। वहाँ कल ये माता पिता इसमें काम कर रहा है, उनके पीछे जाते समय सीढ़ी कैसे गिरने के कारण। कितनी उम्र थी बालक की? ये 4 साल की। क्या खेलने के दौरान इस प्रकार की घटना? माता पिता वहीं काम कर रहे थे। क्या बैकग्राउंड है पिताजी का, क्या क्या काम करते हैं? तो आपका नाम? सोनी निर्मल पाटिल। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर।